देखना सुल्तान भाई, अपना एक सीन बनाना पड़ता है कबूतरों को कैसे उठा। ये क्या है, ये क्या है? उठाना बशीर पोते, मजा ही आ गया यार, मजा ही आ गया यार। दानियल भाई जो आपने रेस्क्यू किए हैं चिड़िया, ये तो दिखाए ना। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेजर पेट्स में शामदीद। तो मैं हाजिर हुआ हूँ नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तो सुल्तान भाई आ गए यार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है जान भाई? अल्लाह का शुक्र। जान भाई, जान भाई कबूतर उतरा हुआ है यार। कहाँ पे? वो देखो असील कबूतर उतरा हुआ है। वो रंग वाला? हाँ रंग लगा हुआ, वो देखो इधर हो जाता है भाई। धानी असील कबूतर है यार, रंग लगा। ये ना टेढ़ी कबूतर लग रहा है मुझे। टेढ़ी है ये जो उड़ने वाला है? उड़ने वाला नहीं, नहीं उड़ेगा, नहीं उड़ेगा, नहीं। हम इधर रहते हैं, वो दानियाल जो है ना, वो देखो एंड में बैठा यार वो। बिल्कुल दाना तो डालो, दाना डालो। दानियाल वो बोरी नीचे पड़ी है ना दाने की, दाना निकाल के लेके आएगा ना, दाना लेकर अभी आ रहा है। हम इसका वेट करते हैं क्योंकि दाना नहीं पड़ा। हमने आगे जाना ही नहीं क्योंकि अभी हमने ना पानी लेकर आए ना हम दाना लेकर आए। ऊपर वो दानियाल आ रहा है, पानी भी लेकर आ रहा है, वो दाना भी लेकर आ रहा है। तो फिर हमें इसे दानियाल भी आ गया है ना। क्या ले आयो भाई? दाना लेके आयो दानियाल भाई? अमरूद ले आयो दानियाल भाई? ये क्या? इस्लाम यार अभी मैं ना रास्ते में से आ रहा था। अच्छा जैन भाई ये ना कोशिश भी करी है। अच्छा लेकिन उड़ ही नहीं रही है। मतलब के बच्चे हैं चिड़िया के, छोटे छोटे, लेकिन उड़ नहीं रहे हैं यार। ये कैसे उड़ेंगे दानियाल? बच्चे हैं, मैं वही कह रहा हूँ। इतना छोटा जिंदा यार, खोल के दिखाता हूँ मैं आपको। मुझे तो लग नहीं यार, खोल के उड़ जाएगी। ये तो खोल लेते हैं। एक बात और सुन लो, असील कबूतर उतरा हुआ है। हाँ असील को बताना, रंग लगा हुआ है यार कबूतर को। शिकार आया हुआ हमारे छत पर, इसको रखो। दानियाल एक मिनट जरा मैं कार्रवाई करता हूँ। हाँ यार दानियाल भाई दाना नहीं लेके आया यार आप। यार दाना मैं सुबह लेके आया था, मैंने यहाँ रखा है। आपने नहीं देखा ये दाना? नहीं हम हमने नहीं देखा। नहीं हम तो अभी आए हैं तो हमने देखा, मैच में रख गया था। दानियाल ये बहुत तेज कबूतर है भाई। ये बताऊं कबूतर कौन सा लग रहा है? साइड लग गया वो देखो। डैडी कबूतर लग रहा है मुझे। डैडी कबूतर है? डैडी कबूतर है, कांटो वाला। कांटो वाला? और मैं बताऊं क्यों, मुझे क्यों नाम याद आ रहे हैं? हाँ कि कांटो वाला टैडी कबूतर मुझे भाई जान इसलिए पता चल रहा है। आजकल मैं ना नेट से तहकीक कर रहा हूँ उनके बारे में, कुछ ना कुछ सीख रहा हूँ उनके बारे में, सिलों के बारे में। इससे तो फिर दानियाल कार्रवाई डाल, बड़े बड़े तहमुल के साथ पकड़ना है, कोई ज्यादा वो नहीं करना। पूरी देखो पट्ठा है, मैं कोशिश करता हूँ, अल्लाह खैर करेगा। एंड में जा रहा हूँ। कैसे करके बैठा है ये? सीना यूं करके बैठा है। काटा देखो जो है इसका। मैं कहता हूँ पहले हम पूरी फील्डिंग लगाते हैं। और जैन भाई से रंग भी लगे हुए हैं यार। दानियाल भाई मैं कहता हूँ दाना डालो। हाँ। इस साइड पे वो एंड में बैठा है बिल्कुल ही। जैन भाई मैं तो ये कह रहा हूँ कि पहले हम नीचे घेरा डालते हैं तीनों तरफ से, और जो है ना। हाँ वो है, दाने पे आ रहा है, दाने पे आ रहा है। भूखा है दानियाल, ये तो धाने पे आ रहा यार। भुखा है, भुखा है, भुखा लग रहा है मुझे बहुत ज्यादा। ये दानियाल भाई जाल लेके जाओ, दानियाल भाई इधर से आप जाल ले जाओ। दानियाल आप शिकारी के हाथ से निकलता नहीं है। हाँ ये तो एक फन की है ना, फन की। अपने पास बाज आया ना। हाँ हम भी शिकारी बन गए, हम शिकारी बन गए। मैं बात से तेज शिकार करता हूँ, खुद शिकार देखना जान भाई मेरा। आप शिकार देखना, कभी बड़ी बातें कर उड़ाई ना दे। नहीं नहीं यार, एक मिनट एक मिनट, ये रहा रंग वाला, रंग वाला। ओए 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 तो शिकारी ताले डर गए सारे। ये तो खराब लग रहा है यार। ये दाने पे आ रहा है देखो। मेरा दाने नीचे ना सुनाओ। नहीं नीचे नहीं आएगा ये, वो खा रहा है दाना तो यार। ऊपर ही करता हूं कोशिश दाना। मैं तो कहता हूं दानियाल थोड़ा ज्यादा डाल दो ऊपर यार। फिर एंड में चल गया वो देखो। वो दाने के ऊपर ऐसे टूट रहा है। दानी निकलते नजर लग जाती, नजर लग जाती भाई। उड़ जाता अभी, उड़ जाता, नजर लग जाती है दानियाल बड़े तामूल के साथ जो ना इसे। ये देखो वो एंड में चल गया। फिर देखो जल्दी लेके जाओ, जल्दी। आपने बाज से ज्यादा तेज शिकार कर रहा है दानियाल, ताकि हम लोगों को पता लगे के बाज रखा है और उससे तेज हमारी जो है ना बहुत ज्यादा तेज हार्ड वर्किंग होनी चाहिए। वो देखो देखो दाने पे आ गया आगे ना, वो पीछे जा रहा हूँ। वो भी उसे पता है मेरा शिकार होने वाला है। वो देखो कैसे तेज तरार हुआ पड़ा। मार दो मार दो मार दो मार दो मार दो दानियाल भाई मार दो।
रेंज में है यार सुल्तान भाई। ये वो देखो अपने कबूतर भी खेल रहे हैं। मार दो यार, ये सामने है बिल्कुल आपके। धनी जब मैं थ्री करूँ ना आपने कार्रवाई कर भी चला गया यार। अच्छा आप ना हिलना, आप ना हिलना, आपकी ये काली शैल्ट है, काली शैल्ट आगे करके नहीं फेंक रहा आपकी शैल्ट है काली। जैन भाई काली शैल्ट है धनियाल से, इस वजह से कबूतर यार मार दो यार, उड़ा उड़ा देंगे बैठे हैं अपने कबूतर यार। ये सुल्तान भाई दाना दूना खा के उड़ जाएगा। जब धनियाल जो है ना पूरे तरीके से मुतमईन हो जाएंगे ना इतने में उड़ जाएगा वो। नहीं उड़ेगा अपने जैन भाई, वो देखो जब मुतमईन हो जाएगा ना धनियाल, मार दो मार दो, उस टाइम कार्रवाई करेगा। क्योंकि बाज उस वक्त शिकार करता है जब वो उसे पता होता है कि मेरी रेंज में है ये। तो और ये तो ये हमने फाइनली पकड़ लिया भाई जान अपने ना। एक देखना सुल्तान भाई अपना एक सीन बनाना पड़ता है कबूतरों को कैसे उठा। ये क्या, ये क्या खुशी के खुशी में डांस हो रहा है, खुशी होती है यार जैन भाई। माशाल्लाह से असीलों की अंबार लग जाएगी हमारे सुल्तान भाई। वाह यार मुबशर पुत्र मजा ही आ गया, ओए मजा ही आ गया यार, दिखा ना मुबशर पुत्र मजा ही आ गया यार, मजा ही आ गया। आंखे देख आंखे, ओए आंखे चेक कराओ जरा, शो कराओ आंखों का। हमारे पास अब इसके पल्लों का शो कराओ यार, ये तो टैडी है कंडो वाला यार, कांडो वाला, कंडो वाला करते नहीं करते काटते करते हैं, इसको साइड पे रखते हो, साइड पे रखते हैं तो खुशी। आज तो मजा आ गया यार कबूतर माशाल्लाह बहुत प्यारा है। मुझे यूं लग रहा है कि बस झूम झूम के झूम झूम के इसको कहां पे छोड़े हैं, कहां पे छोड़ना है मैं तो नहीं, मुझे तो चेक कराओ, छोड़ के चेक करो जरा ऐसे। नहीं छोड़ के चेक किया तो मैं तो गया, ये जाना है इसने, अब तो रुको, अभी खुशी हो रही है देखो इसके ऊपर सब रंग भी लगा हुआ है जैन भाई। मुझे लगता है किसी ने आजाद करके छोड़ा इसको ना 14 अगस्त पे, ये वो इतना महंगा कबूतर, इतना नया आप कबूतर कौन आजाद करेगा। ये बात भी है, हमने देखो हमने भी रखे हुए हैं 14 अगस्त पे, हमने भी परिंदे आजाद करने हैं। ये दिल हम ही रख सकते हैं बस, महंगे परिंदों वाला आजादी का दिन है, 10 कबूतर आजाद करने हैं, 10 कबूतर चलो ठीक है। ये क्या हिसाब हुआ, बस यार मेरे मतलब के माइंड में 10 ही है फिलहाल, कलर भी करना है हमने, कलर वगैरह का सारा सीन करेंगे, ग्रीन एंड व्हाइट और यार सीने पे दिल बनाएंगे उनके, चासी आ जाएगी, मैं खुद वो करूंगा ड्राइंग इंशाल्लाह। बाकी एक बात पूरे तरीके से इसको वहां पे छोड़ो यार, उन बच्चों का मुझे थोड़ा वो लग रहा है यार, इनको देखो यार। दानियल भाई जो आपने रेस्क्यू किए हैं चिड़िया, ये तो दिखाए ना यार। मैं सुल्तान भाई बताऊं क्या, सबसे बड़ी बात ये है कि मुझे इनके बारे में जरा सा इलम नहीं है यार, मैं तो सिर्फ रोड से इसलिए उठाए हैं, ट्रैफिक वहां से जा रही थी, मैंने किसी चीज के नीचे ना आ जाए, मेरे से जो होता ना मैं इनके लिए करूंगा ठीक है। बाकी वो दिखाते हैं यहाँ पे छोड़ के यार, ये खाते क्या है दानियल भाई, जैन भाई मुझे तो नहीं लगता ये दाना वगैरह खाते हैं, क्योंकि चूंच ही बहुत बड़ी थी ये। रास्ते में ना एक भाई मिला था, वो कह रहे थे कि फूलों का रस नहीं होता जो, हाँ जी ये वो चूसती है, तो अब हम फूलों का रस कहाँ से लेकर आएंगे यार। पहले यार डरा दिया वगैरह यार, ये मुश्किल ही बचेंगे यार, हमने इसको बाजरा वगैरह खिला के देखो इधर उधर। अबे यार निकल गई है तो, एक तो गई नहीं वो, नहीं माँ थी ये छोटी, ये नहीं उड़ेगी देखो ओए यार, माँ छोड़ के निकल गई यार इसकी। बच्चे अब ये क्या करेंगे दानी, अभी नहीं यार इनकी मामा चली गई है जैन भाई, किस तरह खिलाएंगे अभी ने। सुनो मेरी बात, मैं आपको बताता हूँ, ये बताऊँ कैसे पकड़ी है मैंने, माँ थी या बाप थी जो भी था जिनके पास ही बैठा था। अच्छा ये उड़ भी नहीं रहा था, पता नहीं कैसे उड़ गया, अब तो ये, देखो ना। ये भी मुझे लगता है एक दो दिन वो उड़ जाएंगे दानियल, ये भी नहीं उड़ नहीं आती भाई, इनको नहीं उड़ना आता है देखो यार, छोटे से बच्चे हैं, बहुत ही ज्यादा मासूम है यार जैन भाई, कितने छोटे हैं यार। यार अब ये हाथ से क्या खिलाया हम इन्हें, क्या खिलाया यार दानियल, सेब का जूस ना बना के पिला दें, तो देखो यार टुकड़ा भी नहीं जा रहा यार। है जैन भाई सेब का जूस ना पिला दें, अगर ये जूस पीते नहीं पियेंगे, ये छोटी है यार बहुत ज्यादा यार, ये तो फर्स्ट टाइम ही देख रहा हूँ इतना छोटा परिंदा है यार, अब हम क्या करें इनके लिए जैन भाई। मैं तो टेंशन में आ गया हूँ सुल्तान भाई, देखो यार माँ निकल गई यार, ये छोटी नहीं है ये बहुत बड़ी टेंशन है यार, देखो इनका क्या कर रहे हैं, कितनी प्यारी है माशाल्लाह से यार, दानियल मासूम है, अब इनको मैं क्या दूं मुझे ये तो बताओ, दाना भी नहीं खिला सकते और चोंच इतनी बारीक है, कोई रस भी नहीं खिला सकते हम तो, ये तो खुद पिएंगे यार। पानी पिला के देखना इन्हें, पानी वगैरह हाँ पानी दो, यहाँ पे छोड़ो ना, इधर पानी के अंदर छोड़ दो, नहीं डूब जाएंगे, नहा लेंगे यार ये पागल हो रहे हैं। नहीं ऐसे पिलाएंगे इसको हाथ से, देखो पीरी ये इसकी माँ इसे फीड कराती होगी जो भी, अगर ये खाती है यार, नहीं पी रही यार,
यार ये वैसे परिंदे दरख्त पे होते हैं या कोई दीवारों वगैरह में होते हैं? ये दरख्त पे होते हैं यार। अच्छा गिर गए यार, अब क्या करूँगा यार? देखो दोनों जोड़ा है और ये बहुत ही मासूम है बेचारे और जो है ना उदास है माँ बाप के बगैर, और बहुत ज्यादा जो है ना मुझे परेशानी हो रही है दानियाल। क्या करें यार, यार आपको नहीं हो रही मुझे भी हो रही है यार, सुल्तान टेंशन हो गई है। इनकी हम मालूमात करते हैं, कोई इन्हें इनकी मंजिल पे पहुंचाते हैं दानियाल। चलो यार इनकी मंजिल पे पहुंचाते हैं, लेकिन इनके लिए कुछ करते हैं। क्या इनके लिए करें यार? किसी से पूछते हैं क्या खाएगी क्या नहीं। दानियाल भाई अल्लाह ताला जो है ना पालने वाला है बेशक, ऐसे तो अब हम हमें ये मिले हैं तो हम इन्हें कहीं पे तो सेटल करते हैं। आगे अल्लाह ताला देखो पत्थर में भी देता है। वो बात तो है, अबे हमें तो ये नहीं पता ना इसमें खिलाना क्या है, चोंच उंगली जितनी तो है ये छोटी सी। अब वो नसीब होगा इनका, देखो हम हमें नहीं पता ना किसी चीज का, तो हम इन्हें ऐसी जगह पे रख देते हैं जिसमें कि अल्लाह ताला खुद इनकी हिफाजत करेंगे, जो भी होगा फिर वो नसीब है यार। पहले ना हम करते हैं ट्राई, इन्हें ख्याल रखें, अपने कबूतरों को दाना खिलाते हैं, दाना खाना फिर इनके लिए कुछ करेंगे, इनका ठीक है इंतजाम करते हैं, कुछ ना कुछ करेंगे। जैसे कि जैन भाई आपने देखा कि आज मैं रास्ते में जब आ रहा था ना, ये चिड़िया मुझे मिली है बिल्कुल छोटी छोटी जो आपको दिखाई है मैंने अभी, तो यार ये बहुत ही ज्यादा मासूम सी है यार, दिल में भी ऐसे हो रहा है इनको, क्योंकि हमें पता नहीं इनको क्या खिलाना है क्या नहीं। ठीक है ये चीज हम देखेंगे, किसी से पता करते हैं, उसके बाद में फीड भी कराएंगे, अल्लाह पाक खैर करेगा इंशाल्लाह। और दूसरा हमने जो ये टैडी पकड़ा कांटों वाला, मुझे तो वही लग रहा है, बाकी क्या कहते हैं आप? कहते यही है कि इसका जो है ना मालूमात निकालेंगे, ये भी कौन सा यार हमारी ऑडियंस बताएगी। हाँ ऑडियंस, हमारी ऑडियंस बता देगी, क्योंकि ऑडियंस देख लेगी ये कौन सा परिंदा हमने पकड़ा है। और दूसरा दोस्तों हमारे साथ जो है ना ऐसे प्यार करते रहेगा और मजीद जो है ना हमारा हौसला अफजाई किएगा। और फराज अहमद भाई है हमारा एक, वो कह रहा था नाम फराज अहमद भाई है हमारा, लव यू हो गया ब्रो। ठीक है ओके हो गया भाईजान आपका, तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें। अल्लाह हाफिज़।